हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड एग्जामिनेशन में। तो आसाम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन के आप सभी लोगों के एडमिट कार्ड हैं वो जारी हो चुके हैं, कल ही जारी हुआ है। मैंने आप लोगों को वीडियोस के माध्यम से बता दिया हूँ। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, साथ साथ में हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ साथ हमारा टेलीग्राम का जो नंबर है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो हमें वहाँ से आप मैसेज कर सकते हैं यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है। तो देखिए, आप सभी लोगों को जो एडमिट कार्ड है कल ही जारी हुआ, लेकिन तो बहुत से कैंडिडेटों का एडमिट कार्ड नहीं निकला है। क्यों नहीं निकला है? मैं आप सब लोगों को बताने वाला हूं। ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म तो अप्लाई किया है, फीस पेमेंट तो किया है, लेकिन जो फीस का पेमेंट रिसिप्ट होता है फिर से अपलोड करना होता है, तो उन्होंने जो फीस पेमेंट का रिसिप्ट है वो अपलोड नहीं किए। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देख लीजिए, एप्लीकेशन जो प्रोसेस अभी चल रहा है यानी प्रोसेसिंग में है, केवल उनका जो पेमेंट का स्टेटस था, पेमेंट का जो रिसिप्ट था, उन्होंने अपलोड नहीं किया था, तो इसी वजह से आपके एडमिट कार्ड नहीं आए हैं। लेकिन ये चीज है कि आप ऊपर देख पाएंगे, उन्होंने कहा है कि जो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस है वो चल रहा है। तो आप ऐसा करिए कि यदि आपका जो पेमेंट हो चुका है, आप नया पेमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपने जो रिसिप्ट निकाला था उसको आप फिर से अपलोड कर दीजिए। चालान नंबर, किस डेट को आपने पेमेंट किया था, और आप उसको अपलोड कर दीजिए। हो सकता है कि आपके एडमिट कार्ड फिर से आ जाए, लेकिन उम्मीद कम है, लेकिन आप कर सकते हो। इसके अलावा आप क्या कहा जा सकता है? दूसरा चीज है, जिन किसी विद्यार्थी का फॉर्म जो रिजेक्ट किया गया है उनके एडमिट कार्ड नहीं आएंगे, ये बात आप ध्यान रखिए। तो जिनके एडमिट कार्ड नहीं है, पेमेंट हुआ है और रिसिप्ट आपके पास है, तो आप उसको अपलोड कर दीजिए, हो सकता है कि आपका एडमिट कार्ड आ जाए, ठीक है। लेकिन अन्य जितने भी कैंडिडेटों का है सभी के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, सभी ट्रेडों के, आप सभी लोगों के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका डाउनलोड करके दे दूंगा। जैसे कि क्या होता है कि बहुत सारे लोग कैंडिडेट वहां पर मैसेज करेंगे, तो हो सकता है किसी का पहले कर पाऊँ, किसी का बाद में कर पाऊँ, लेकिन करूंगा सभी का, ठीक है। तो यहां पर बात होगी किसके एडमिट कार्ड निकल रहे हैं, किसके नहीं निकले, जिनके नहीं निकले क्या प्रॉब्लम है, मैंने आप सभी लोगों को बता दिया। केवल एक ही कंडीशंस में आप सभी लोगों का एडमिट कार्ड नहीं निकले हैं। दूसरी बात करते हैं आप सभी लोगों का, जैसे कि आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, यदि आपके नेम में, डेट ऑफ बर्थ में यदि कुछ भी गलती हुआ हो तो आपको परेशान होने वाली बात नहीं है। जब आप पीएचटी देने जाएंगे तो वहां पर आपको मौका दिया जाता है, फॉर्म भरवाया जाता है और वहां पर आपको सारी चीजें सही करने का मौका दिया जाता है, तो वहां पर आप भर के सब कुछ सही कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं आप सभी लोगों का यहाँ पर क्या क्या चीजें ले जानी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप पीएचडी देने जाते हैं तो वहां पर कुछ डॉक्यूमेंट्स आप सभी लोगों को ले जाने होंगे, बिना डॉक्यूमेंट्स को आप सभी लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स में आप सभी लोगों को क्या क्या ले जाना है, जैसे हम बात करते हैं आप सभी लोगों को हाई स्कूल और इंटर की जो मार्कशीट प्लस आपके सर्टिफिकेट होती है उसको ले जाना होगा। यदि आप कलर में अप्लाई किए हैं तो आपको कंप्यूटर टाइपिंग सर्टिफिकेट ले जाना होगा। यदि आपके पास जो भी पोस्ट अप्लाई किए थे उसमें आईटीआई मांग रहा हो या एक्सपीरियंस मांग रहा हो तो उसको आपको ले जाना होगा। यदि आपका नहीं मांगा होगा तो आपको नहीं ले जाने होंगे। उसके बाद आप सभी लोगों को डोमिसाइल यानी कि आपका मूल निवास प्रमाण पत्र ले जाना होगा। अब कौन सा आपका डोमिसाइल ले जाना होगा, जो आपने अस्थायी पता डाला होगा, यानी कि जैसे हम यूपी से हैं, अपना जो स्टेट हमने चुना था वो हम यूपी डाले, तो यूपी का हमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले जाने होंगे, ये चीज ध्यान रखिए। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे कि जो एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना होगा, और जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं उनको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट ले जाने होंगे। यदि आप हीलिंग एरिया से आते हैं तो उसका आपको सर्टिफिकेट ले जाना होगा। उसके बाद आप सभी लोगों का अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट पुलिस स्टेशन से बनवाना होगा, यानी कि पुलिस स्टेशन से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के ले जाने होंगे। साथ साथ में आप सभी लोगों को 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप सभी लोगों को ले जाना होगा, एक आईडी प्रूफ आप सभी लोगों को ले जाने होंगे, और सभी के आप जो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सभी के फोटो कॉपी आप करवा लीजिएगा। इतना सारा चीज़ें आप सभी लोगों का डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, सभी चीज़ें आप सभी लोग ले जाइएगा। तो अब हम बात करते हैं आप सभी लोगों के जो एग्जामिनेशन सेंटर है। जैसा आप सभी लोगों को बता दूं कि आप सभी लोगों का बहुत सारे लोग कैंडिडेट ये भी हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा एग्जाम कौन सा है, किस डेट को है, कौन से टाइम पे है आप सभी लोगों का। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप देखेंगे आप सभी लोगों को इस तरीके से दिखाई पड़ा होगा सभी लोगों का, और वहाँ पर आपके अलग अलग सेंटर दिए गए हैं, जैसे मैंने आपको टिक लगा दिया हो, यहाँ पर देखेंगे इनका यहाँ पर है इस डेट को है, और इनका सुबह 8 बजे से यानी कि सभी लोगों का सुबह 8 बजे से एंट्री होने वाली है। वहाँ पर आपका सेंटर दिखा दिया गया है, किस डेट को दिखा दिया गया है आप सभी लोगों को यहाँ पर देख पाएंगे, आपके भी वहाँ पर एडमिट कार्ड पर शो हो रहा है।
उससे पहले मैं आप सभी लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ, आप सभी लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं तो आप नीचे कमेंट जरूर करिएगा कि आप सभी लोगों को किस डेट को आप सभी लोगों का पीटीएन पीएचटी होने वाला है। तो अब बात करते हैं आप सभी लोगों के सिलेक्शन प्रोसेस की। जैसा आप सभी लोगों को पहले पता होगा, जब आप लोगों को नोटिफिकेशन आया था तो उसमें बताया गया था कि क्लर्क और पीए का आप सभी लोगों का पीटीएन पीएचटी के साथ में आप सभी लोगों का टाइपिंग टेस्ट भी होगा, लेकिन इस बार आप सभी लोगों को बदलाव किए गए। आप कंफ्यूज होंगे, हम भी थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। जैसे मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जब आप एडमिट कार्ड निकाले होंगे तो वहां पर देखिए जो एडमिट कार्ड निकला है उसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि पीटीएन पीएचटी के आप सभी लोगों के एडमिट कार्ड जारी किए गए। लेकिन आपके वेबसाइट पे एक नोटिस फिर से जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि आप सभी लोगों का जो एडमिट कार्ड निकल रहा है वो आप लोगों को पीटीएन पीएचटी, टेट टेस्ट, स्किल टेस्ट, रिटन एग्जाम के एडमिट कार्ड निकल रहे हैं आपकी वेबसाइट पे, ऐसा चीजें देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर आप नीचे जाएंगे चौथे पॉइंट पे तो वहां पर देखने को मिल रहा है कि आपकी भर्ती जो प्रक्रिया पूरा कंप्लीट होने के लिए, यानी कि सारी दक्षता परीक्षा कंप्लीट होने के लिए 20 से 25 दिन का टाइम लिया जाएगा, यानी कि लग सकता है कंप्लीट होने में, तो ये चीजें देखने को मिली है। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इस बार थोड़ा सा चेंजिंग ये हुआ है कि आप सभी लोगों का पीटीएन पीएचटी होने के साथ में आप सभी लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, साथ साथ में स्किल टेस्ट और टेस्ट टेस्ट भी आप लोगों को साथ में होने वाली है। ये चीजें इस बार आप सब लोगों को बदला हुआ है। कहने का मतलब है कि आप जब पीएचटी देने जाएंगे तो वहां पर आप लोगों का पीटीएन पीएचटी होगा, साथ साथ में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा जाएगा, साथ में आप सब लोगों को स्किल टेस्ट टेस्ट भी आप सब लोगों को साथ में होने वाले, सभी ट्रेनों का इस बार होने वाला है। तो ये थोड़ा सा बदलाव हुआ। उसके बाद आप लोग का रिटन एग्जाम होगा। लेकिन ये चीजें हैं कि आप ये मान के चलिए कि आप पीएचटी देने जाते हैं तो आपको 1 से 2 दिन रुकने का मौका हो सकता है, तो अपने तैयारी के साथ जाइएगा, कम से कम आपको 1 से 2 दिन रोका जा सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। अब जिन किसी विद्यार्थी का 1 दिसंबर 2021 को उनका पीटीएन पीएचटी है वो प्लीज नीचे कमेंट करिएगा, जिसे पता लग सके आप जाते हो तो आपके माध्यम से लोगों को हम बता सकेंगे कि आप सब लोगों को किस तरीके से हो रहा है, क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्या वहां पर टाइपिंग टेस्ट भी हो रहा है, क्या स्किल टेस्ट भी हो रहा है, क्या आप सभी लोगों के जो इसका रिटन एग्जाम की डेट अलग से दिया जा रहा है कि अलग से आपके फिर से एडमिट कार्ड आएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं आप सभी लोगों के यहाँ पर रनिंग की। जैसे कि आप सभी लोगों को 5 किलोमीटर की रनिंग है, मेल वालों की 1600 मीटर की रेस है फीमेल वालों की। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं क्या हमारा जो रनिंग है वो ग्राउंड पे होगा या हमारा रोड पे करवाया जाएगा। तो अक्सर जो 5 किलोमीटर की रनिंग होती है वो आप सभी लोगों को रोड पे करवाई जाती है। तो उम्मीद यही है आप सभी लोगों का कि इस बार आप सभी लोगों का जो रनिंग होगा वो आप लोगों का वहाँ रोड पे करवाया जाएगा, ना कि आप लोगों को ग्राउंड पे करवाया जाएगा। हो सकता है कि आपके ग्राउंड पे भी करवाया जाए, लेकिन आप सभी लोगों को ज़्यादा चांस है रोड पे करवाने के लिए। कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन 5 किलोमीटर जो रनिंग होती है अक्सर रोड पे ही करवाई जाती है। तो इतने सारे चीज़ें इस बार आप लोगों का चेंजिंग हुआ। साथ साथ में ये भी है कि आप सभी लोग अपने हिसाब से जिस तरीके से आप वहाँ पर जाना चाहते हैं, अपने यहाँ से दूरी देख लीजिए, ट्रेन की आपकी सुविधा है कि नहीं, रिजर्वेशन करवा लीजिए। हाँ, एक चीज़ छूट गई है आप सब लोग डॉक्यूमेंट्स में, आरटीपीसीआर, यानी कि आपको कोरोना का जो रिपोर्ट निकलता है निगेटिव पॉजिटिव, उसको आपको करवाना है, कोरोना टेस्ट करवाना होगा, उसका सर्टिफिकेट आप सब लोग को ले जाना होगा 72 घंटे के अंदर का। ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है कि 72 घंटे से ज़्यादा हो गया तो आपको बाहर करेगा, ऐसा नहीं है, आपको आगे पीछे हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन कोरोना टेस्ट आपको करवा के जाना, निगेटिव होगा तभी आपको मान्य होगा, नहीं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। तो आप सभी लोगों का इतना सारा प्रोसेस है, क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, किस तरीके से होने वाली हैं, जिनके एडमिट कार्ड नहीं आए हैं क्यों नहीं आए, किस तरीके से डाउनलोड कर लेंगे, और आप सभी को डॉक्यूमेंट्स क्या ले जाना है, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से बता दिया कि तक कुछ छूट रहा हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हर एक कमेंट का रिप्लाई आप सभी लोगों को दे दूंगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।